अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब पेज। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपका अनाउंस होने वाली मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट की जॉब के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी। इस वीडियो में अपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, इसमें जो है पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 3 ऐड के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपने वीडियो को गौर से सुनना है। वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि हर नहीं आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब एज पर। आपने आ जाना है गूगल पर, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब एज डॉट इन्फो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पहला लिंक है, यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने जो है इसकी पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगी। मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट MLC की जॉब की पोस्ट है। आपने सिंपली जो इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। जब आप इस पोस्ट को ओपन कर लेंगे आपको जो है यहाँ पर इसके जो है एड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री डिफेंस का ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपको इसका ऐड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है आर्मी से रिटायर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर ऐड है। और यहाँ पर जो है लास्ट में आप देख सकते हैं वज़ारत दिफा जो है इसमें जो है जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो इसमें जो है आपसे मुकम्मल डिटेल्स शेयर करते हैं कि आप लोगों ने जो इन तीनों ऐड में कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर पहली पोस्ट है सिस्टम की ग्रेड 15 की पोस्ट है। पंजाब सिंध KP बलोचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 18 से लेकर 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस की पोस्ट है, इसमें जो है पंजाब से सिंध से फाटा से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, 28 से लेकर 25 साल तक आपकी एज लिमिट है। 5 ईयर रिलैक्सेशन काउंट करके इसमें 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है UDC की पोस्ट है, LDC की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की, लोअर डिवीजन क्लर्क की। UDC के लिए आपको जो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और LDC के लिए आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसमें आपको बताते चलें कि इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। इसे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट 27 सितंबर है, तो इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल भी आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले जो है नेक्स्ट ऐड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। ये जो ऐड है इसमें आर्मी से रिटायर्ड पर्सन जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, UDC की पोस्ट है, LDC की पोस्ट है, और इसके अलावा जो है DMO की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, नैब कासिद की चौकीदार की पोस्ट है। और यहाँ पर आपको जो है रिटायर्ड फौजी हजरात अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मैंशन है, एज भी मैंशन है, आपने इसको रीड कर लेना है। अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपने जो है इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट 29 सितंबर है, आपने जो अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके इसको जो आपने साथ आपने जो है डॉक्यूमेंट्स लगाकर और आपको यहाँ पर आपको जो नीचे एड्रेस भी बताया गया है यहाँ पर आपने जो है सेंड करना है। यहाँ पर आपको इनके जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया कि आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब जो है इसके लास्ट ईयर के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं इसमें जो है पूर्व पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें असिस्टेंट LDC की, ड्राइवर, नैब का सिद्ध, माली और सैनिटरी वर्कर की पोस्ट है जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। आपने बाई हैंड अप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने जो है CNIC और जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने बाई पोस्ट है, आपने ये कदर पासपोर्ट से फोटो लगाकर आपने बाई पोस्ट है। यहाँ पर आपको ये जो आपको नीचे एड्रेस बताया गया है इस एड्रेस पर आपने जो है बाई पोस्ट आपने सेंड कर देनी है। तो यहाँ पर जो है अब आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपने जो है यहाँ पर सबसे पहला ऐड था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इसमें आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। आप जब हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है इसकी पोस्टें नज़र आ रही हैं, UDC की, स्टेनोटाइपिस्ट की, और इसके अलावा जो असिस्टेंट की। आप लोगों ने जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है आपने रजिस्टर एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके सामने अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है, पहले आपने अकाउंट रजिस्टर करवाना है। यहाँ पर अपना ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड करके आपने बैक पर आना है, लॉगिन करना है, यूजर नेम और पासवर्ड देना, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।